कोरोना वायरस से बचाव के लिए कई महीनों से लगातार लोगों को जानकारियां दी जा रही हैं, लेकिन देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर के ज्यादातर लोगों को कोरोना के सभी लक्षणों के बारे में पता ही नहीं है। नेशनल काउंसिल ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च NCIR के फोन सर्वे के अनुसार करीब 55% दिल्ली NCR के लोगों को पता ही नहीं है कि सांस लेने में परेशानी भी कोरोना के मुख्य तीन लक्षणों में से एक है। केवल 36.4% लोग ही बता पाए कि बुखार, सर्दी, कफ और सांस लेने में परेशानी कोरोना वायरस के लक्षण है। कोरोना वायरस को लेकर लोगों तक सही जानकारी पहुंचे, इसके लिए कई डॉक्टर अस्पताल से लेकर सोशल मीडिया तक हेल्पलाइन के जरिए सवालों के जवाब दे रहे हैं। लोगों में कोरोना को लेकर एक डर है, जिसके चलते वो डॉक्टर से ऐसे सवाल भी पूछ रहे हैं जो काफी अटपटे हैं। मुझे बुखार और जुकाम है, क्या मैं कोरोना वायरस से संक्रमित हो चुका हूँ, जैसे सवालों के बीच अचानक पूछा जाता है, क्या चीन में बनी चीजों से वायरस संक्रमण हो सकता है। बड़ी संख्या में आम नागरिक द्वारा पूछे जा रहे इस प्रकार के सवालों के जवाब इन दिनों चिकित्सक दे रहे हैं। इनमें से कई बचकाने सवाल उन्हें परेशान कर रहे हैं। महामारी के समय अधिकतर चिकित्सकों की क्लिनिक पर कतारें तो नहीं हैं, लेकिन उनके हाथ फोन पर नजर आ रहे हैं। आइए जानते हैं डॉक्टर से नागरिक किस तरह के सवाल पूछ रहे हैं। क्या गर्मी में वायरस मर जाएगा? क्या बाहर का खाना और नॉनवेज खाना संक्रमित हो सकता है? क्या संक्रमण होने पर सिगरेट पीने की आदत की वजह से उबरने में समय लगेगा? क्या मास्क सच में कारगर है? हैंड सैनिटाइजर अच्छा है या साबुन? मेरे घर में बुजुर्ग हैं, क्या उन्हें संक्रमण का ज्यादा अंदेशा है? इन सब के अलावा कुछ ऐसे सवाल भी पूछे गए जिससे डॉक्टरों का दिमाग चकरा गया। क्या चीन से आए मेल में संक्रमण संभव है? क्या गर्म पानी पीने से वायरस मर जाएगा? वायरस के प्रति भारतीय बाकियों से ज्यादा रोग प्रतिरोधक क्षमता रखते हैं। ऊंची मंजिल पर घर होने और इनमें टाइलें लगी होने से संक्रमण का खतरा ज्यादा है। जिनकी मूछें और दाढ़ी हैं, क्या उनमें संक्रमण की ज्यादा संभावना है? क्या धूप में बैठने से वायरस मर जाएगा? मार्च के तीसरे हफ्ते में बंगलुरु की मेडिकल कंपनी के डायरेक्टर विशाल सहगल ने व्हाट्सएप पर चैटबॉट लॉन्च किया था, जिससे नागरिकों से सवाल पूछे थे। इस चैटबॉट से 16 देशों के लोग 15 लाख सवाल पूछ चुके हैं। अधिकतर लोग वायरस सुरक्षा और इलाज के बारे में जानना चाहते हैं। उन्हें भी कई बार ऐसे सवालों से जूझना पड़ता है, जैसे कि क्या बियर पीने से वायरस मर जाता है। मरीजों को चिकित्सकों से जोड़ने वाले ऑनलाइन पोर्टल के श्वास व सीना रोग विशेषज्ञ डॉक्टर हेमंत कालरा के अनुसार मामले बढ़ने पर सवाल भी बढ़ रहे हैं। लोगों में डर है क्योंकि उनके पास अनाधिकृत स्रोतों से सूचनाओं की बाढ़ आ रही है। मीडिया की खबरें और चिकित्सक कर्मियों की सलाह तो पुख्ता होती हैं, लेकिन व्हाट्सएप पर आने वाले संदेश अफवाहों को बढ़ा रही हैं। वो सलाह देते हैं कि इन संदेशों से बचें और इन्हें आगे ना बढ़ाएं। फोर्टिस के पल्मोनोलॉजी विभागाध्यक्ष डॉक्टर विवेक नांगिया और पारस अस्पताल में इंटरनल मेडिसिन के डॉक्टर राजीव कुमार बताते हैं कि जो जानकारियां वे मरीजों से साझा करते हैं, उन्हें अपने परिचित को देने का निवेदन कर रही हैं, ताकि सभी को सही जानकारियां मिले। अमर उजाला.com